हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 6, जो बात करता है रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार के बारे में। तो दोस्तों, सेक्शन 5 में हमने डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ा, और अब सेक्शन 6 में हम रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार के बारे में पढ़ने वाले हैं। द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट सच पर्सन्स वेदर द पब्लिक ऑफिसर्स आर नॉट as it thinks proper to be registrars of several districts and to be sub-registrars of the several sub-districts formed as aforesaid respectively. State government appoint कर सकती है person को जो public officer हो या ना हो, उसको अगर सही लगता है कि हाँ इसे registrar बनाना सही है तो सही है। इसमें क्या बताया जा रहा है, state government जो है वो अपॉइंट कर सकती है पर्सन को, चाहे वो पब्लिक ऑफिसर हो या ना हो, जो भी उसको सही लगता है कि उसे रजिस्ट्रार बना देंगे एक या उससे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए, और सब रजिस्ट्रार बना सकते हैं एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए। रजिस्ट्रार ये डिस्ट्रिक्ट में होगा और सब रजिस्ट्रार है वो सब डिस्ट्रिक्ट में बैठेगा। ये रजिस्ट्रार का ऑफिस ज़िले में होगा और सब रजिस्ट्रार का ऑफिस वो तहसील में होगा।